हाथों के कालेपन से किस तरह से छुटकारा पाए दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ जिसको आप अप्लाई करेंगे ना सिर्फ एक बार में ही आपके हाथों का कलर बिल्कुल फेयर हो जाएगा, सारा मैल डेड स्किन एक बार में ना निकल जाए ना। आपके मुझे बोलना, कमेंट करके बताना, अप्लाई ज़रूर करना क्योंकि मैं बिल्कुल श्योर हूँ आपकी स्किन पे ये होम रेमेडी बहुत ही अच्छे से वर्क करने वाली है। और हाँ, आप इस होम रेमेडी को सिर्फ अपने हाथों पर ही नहीं, आपकी गर्दन, चेहरा, घुटने, टखने, जहाँ पर भी आपको लगता है ना कालापन आ गया है, वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर लेना। एक बार में आपको बहुत ही अच्छा निखार मिलेगा। आप महंगे महंगे ब्लीच फेशियल ना भूल जाए ना तो मुझे आके बोलना, स्पेशली हाथों पे तो जरूर ट्राई करना। क्या है, गर्मियां आ गई है, स्किन पे टैनिंग होने लगती है, हाथ काले पड़ने लगते हैं क्योंकि हम हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनने लगते हैं और यहां से हमारे हाथ बिल्कुल अलग कलर के हो जाते हैं। बस इस होम रेमेडी को अप्लाई कर ले, आपकी डेड स्किन, आपके हाथों का मैल धूल सब बिल्कुल निकल जाएगा और आपको बिल्कुल लाइट लाइट फील होगा कि हाँ कुछ भारीपन सा हाथ से निकल गया ना, क्योंकि जो आपकी स्किन है ना डेड स्किन निकल जाएगी, लाइट लाइट आपको फील होगा, आपका जो हाथ का कलर है ना बिल्कुल निखरता ही चला जाएगा और चेहरे के और हाथ के कलर में बिल्कुल भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। लेकिन 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 ये तभी होगा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। होम रेमेडी जरूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट आने वाले हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि हाथों का कालापन कैसे दूर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें इसमें मिलानी है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हफ्ते में बस 3 बार कर लेना यार, वही काफी है, लेकिन करना जरूर और रिजल्ट जरूर से जरूर शेयर करना। तो दोस्तों, हाथों के मैल को निकालने वाला ये घरेलू नुस्खा बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिएगा चीनी। आपको 1 चम्मच चीनी लेना है, सबके घर में इजीली मिल जाएगा। चीनी बहुत ही अच्छा स्क्रब का काम करता है, स्किन के मैल को निकालता है, धूल डस्ट डेड स्किन को निकाल फेंकता है और स्किन को क्लीन बनाता है। सबसे पहले आप 1 चम्मच चीनी ले लेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ जो हमको इसमें ऐड करनी है वो हमें लेना है बेसन, यानी कि ग्राम फ्लोर। आपको 1 चम्मच के हिसाब से बड़ा चम्मच लेना है और 1 चम्मच के हिसाब से चीनी में आपको बेसन डाल लेना है और इसको कर लेना है आपको अच्छे से मिक्स। और इसको मिक्स के बाद थोड़ा सा इसमें आप ऊपर से 1 चुटकी के हिसाब से हल्दी ज़रूर डाल लेना। कस्तूरी हल्दी लेनी है आपको, किचन वाली हल्दी नहीं लेना है, उससे कई बार दाने निकल जाते हैं। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद क्या करना है मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये हमारा मिक्स हो चुका है। इसके बाद हमको जो ये टमाटर है ना, आपको एक टमाटर लेना है। अब यहाँ पे जो मेन जानने वाली बात है वो क्या है, अगर आपकी स्किन को टमाटर सूट करता है तो आप टमाटर लेंगे, टमाटर नहीं सूट करता तो आप यहाँ पे नींबू भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जो टमाटर है ना उसको बीच से कट कर लेना है इस तरह से, और उसके बाद से आपको ये आधा जो टमाटर है ना, इसमें जो आपने पेस्ट बनाया है इसमें ऐसे आप डिप करेंगे। ये जो पेस्ट है ना आपको टमाटर पे लगा लेना है और आपके हाथ पे आपको इससे करना है मसाज। जैसे मेरा हैंड हो गया, आपको इस तरह से लगाते रहना है और ऐसे आपको मसाज करना है, इसको दबाते रहना ताकि जो इसके अंदर का रस है ना वो निकल निकल के आपकी स्किन पर लगता जाए, आपकी स्किन को क्लीन बनाए। आपको ऐसे नहाने से पहले आप ये करें, बहुत ही अच्छा आपकी स्किन पर रिजल्ट आएगा, स्किन बिल्कुल चमकने लगेगी। अगर एक बार में ही जो आपके हाथों की सारा जो मैल है, जो डेड स्किन है, सारा ना निकल जाए ना, मेरे को बोलना, टैनिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ऐसे डिप करते रहे, दबा दबा के अच्छे से आपने अपने हाथों पर करना है मसाज। जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ से आपकी स्किन काली पड़ गई है, आपकी स्किन पे टैनिंग हो गई है, आप लगा सकते हैं। और इसको यूज़ कब तक करना है, जो ये टमाटर है ना इसको घिसते रहना है, जब तक ये टमाटर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता ना तब तक आपको इसको इसी तरह से रगड़ते रहना है। और एक बार में ही इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे, बहुत बहुत अच्छे, बिल्कुल नोटिसेबल रिजल्ट होगा। हर कोई आपसे पूछेगा कि ये क्या चेंज किया है, क्या किया है, ब्लीच जिस तरह से साफ करता है ना, ब्लीच से भी कहीं अच्छा ये आपको रिजल्ट देगा। अच्छे से मैं इसको मसाज कर लूँगी और इसके बाद आपको इस पेस्ट को कम से कम 5 मिनट के लिए इसी तरह से अपने हाथ पे लगा हुआ छोड़ देना है। हो सके तो 10-15 मिनट छोड़े, लेकिन इतना टाइम नहीं है तो 5 मिनट कम से कम छोड़ के फिर आपको इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। तो मैं इसको वॉश करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो, किसी भी रीजन पे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। इसके अलावा जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकन आता है ना उसको जरूर दबाइएगा ताकि आप हमारी हर न्यू वीडियो देख पाएं सबसे पहले। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।